नमस्कार, मैं इंदु सहारण साहित्यिक झरोका चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे नरेश मेहता की कविता अरण्यानी से वापसी का भाग दो। हमने जो भाग एक किया था उसमें हमने जाना कि कवि की ये इच्छा है कि वो अपनी अरण्यानी यानी सन्यासी होने के भाव का त्याग करके कर्म को महत्व दे और अपनी सनातन भूमि पर लौट कर अपने काव्य के माध्यम से अपना कर्म करे। इसी भाव को लेकर इस कविता की रचना की गई है। आइए अब आगे की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ कवि क्या कहते हैं, इसीलिए मेरी अरण्यानी मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। क्यों लौटना होगा? क्योंकि वो अपना कर्म करना चाहते हैं और संसार में दुखी जनों की सहायता करना चाहते हैं। तो इसीलिए हे मेरी अरण्यानी या मेरी सन्यासी की भावना अपने सन्यासी जीवन को संबोधित कर रहे हैं। मुझे यहाँ से वापस इस अरण्य से इस सन्यासी या विरक्ति के भाव से मुझे वापस अपनी धरी जो सनातन भूमि है कर्म भूमि है उस पर अपनी शाश्वती जो शाश्वत है सत्य है उसके पास मुझे लौटना ही होगा, वापस मुझे जाना ही होगा। पांडवों के कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्र, क्योंकि यहाँ पर अरण्य का वर्णन है जहाँ भोजपत्र के पेड़ हैं, उन पेड़ों को संबोधित करते हुए कहते हैं। उन पेड़ों को देख कर कवि को लगता है कि ये पेड़, क्योंकि भोजपत्र के जो पत्ते हैं वो किसी समय कागज़ या लिखने के काम आते थे, कागज़ के रूप में उन पर लिखा जाता था, तो वो उनको कहते हैं कि ऐसे लगता है उन भोजपत्रों को देखकर कि ये पांडवों के कीर्ति स्तंभ हैं, यानी पांडवों के यश और कीर्ति का गान इन पत्रों के माध्यम से किया गया है, इन पत्रों पर किया गया है, उनको संबोधित कर रहे हैं। या उधर्व मनस के योगियों जैसे देवदारू, उधर्व मनस ऊपर उठने की भावना, नीचे से ऊपर उठने की जो लालसा है, उस जैसे योगियों जैसे देवदारू के पेड़ जो बहुत बड़े होते हैं और हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। देवदारू के पेड़ की एक खासियत है, उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि वो चोटी को छू जाएंगे, आसमान को छू जाएंगे, जो उनकी चोटियाँ हैं वो ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं। तो ऊपर की ओर बढ़ने वाले योगियों के तपस्वियों के समान तस्तस्त एक जगह पर खड़े देवदारुओं को संबोधित कर रहे हैं। और वो आगे क्या कहना चाहते हैं कि गायों की त्वचा जैसे चिकने और संस्पर्शी हिमनदों, कि गायों की जैसे त्वचा होती है, गायें जो पशु है गायें, उसकी त्वचा कैसी होती है, चिकनी और स्पर्श करने वाली, संस्पर्शी स्पर्श करने वाले हिमनदों, वहाँ जो पहाड़ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, हिम हिमालय से निकलने वाली या पहाड़ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, और वो कैसी हैं, बिल्कुल इतनी कोमल इतनी संस्पर्शी है जैसे कि गायों की त्वचा होती है, उनको संबोधित कर रहे हैं कि मैं अपने पर से उतार रहा हूँ और इन सब चीज़ों को मैं अपने आप से अलग कर रहा हूँ, अपने ऊपर से उतार रहा हूँ। क्या उतार रहे हैं? हिम के ये मलमली चीवर, हिम बर्फ़ के ये मलमली कोमल चीवर अर्थात वस्त्र, इनको भी मैं त्याग रहा हूँ। जो बर्फ़ के समान कोमल चीवर मैंने धारण किए हैं इनका भी मैं त्याग कर रहा हूँ, वस्त्र मैंने धारण किए उनका भी मैं त्याग कर रहा हूँ। वनस्पतियों के वलकल, वलकल यानी जो छाल के वस्त्र हैं वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की छाल, उनके ऊपर की छाल उतारकर जो वस्त्र बनाए गए हैं उनका भी मैं त्याग कर रहा हूँ। क्यों त्याग करना चाहते हैं? क्योंकि वो उस जगह को उस स्थान को त्यागना चाहते हैं और सनातन सत्य कर्म भूमि पर जाना चाहते हैं। औषधियों के ये अंग राग और मेरे शरीर, अंग यानी शरीर के जो हिस्से हैं, राग यानी लेप, किसके लेप? औषधियों के, जो शरीर पर मैंने अंगराग लगाए हुए हैं। और ब्रह्म कमल की है व्यक्तिगत गंध, जो मेरे शरीर से आने वाली या मुझे अनुभव होने वाली व्यक्तिगत गंध किसकी? ब्रह्म कमल की जो ये गंध है, खुशबू है। नदियों के यज्ञोपवती और नदियों रूपी जो जनेऊ है, यज्ञोपवती यज्ञ में पहने जाने वाले जो जनेऊ है, उनको भी हवाओं की माधवी रागनियाँ, मधुर रागनियाँ, मस्त करने वाली जो रागनियाँ हैं, कौन गाता है उन रागनियों को? हवाएं। और एकांत में धरोवर सा रखे जा रहा हूँ, इन सब चीज़ों का तो मैं त्याग कर ही रहा हूँ, इसके साथ साथ एकांत अकेले स्थान पर धरोहर सा मेरी धरोहर के रूप में जैसे मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, किसको? हिमालय का यह इंद्र मुकुट, इंद्र मुकुट इंद्र देवता के मुकुट के समान जो सुंदर है, मणियों से जड़ा हुआ है हिमालय पर्वत, उसे भी मैं धरोहर के रूप में यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। क्योंकि वो यहाँ से जा रहे हैं, अपने सन्यासी जीवन का त्याग कर रहे हैं, तो सन्यासी जीवन से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं का वो त्याग कर रहे हैं, वही इसमें बताने का प्रयास किया है। बादलों हवाओं ग्रह नक्षत्रों में
अहोरात्र, अहोरात्र यानी दिन रात, दिन और रात में संपन्न होने वाला यह राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ जो निरंतर चलने वाला यज्ञ है, पवित्र यज्ञ है, मंत्रों के उच्चारण वाला यज्ञ है। और वो कहाँ संपन्न होता है? बादलों में संपन्न होता है, हवाओं में, ग्रह नक्षत्रों में, अर्थात प्रकृति के कण कण में संपन्न होने वाले उस पवित्र राजसूय यज्ञ को भी मैं छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी अरण्याली, मेरी सन्यासी होने की भावना इतना विराट, इतनी पवित्रता लेकर, इतनी विशाल रूप और इतनी पवित्रता को लेकर। कवि कहते हैं कि जो चारों ओर प्रकृति की पवित्रता फैली है, इसको लेकर कोई भी हाट बाजार में नहीं जा सकता, कि इतनी पवित्रता को लेकर कोई भी बाजार में नहीं जा सकता। हाट बाजार जो छोटे छोटे बाजार होते हैं उसमें नहीं जा सकता। इतिहास और राजनीति में दग्ध हुए मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है। वो क्या कहते हैं? इतिहास और राजनीति में, अर्थात जो मानव है उसका जीवन कैसा हो गया, या तो वो अपने इतिहास में उलझा हुआ है या राजनीति के कारण वो पीड़ित है। और दग्ध अर्थात पीड़ा, पीड़ित, या तो अपने इतिहास में उलझा हुआ है या अपने राजनीति के कारण वो पीड़ित है। राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, जो बुरी नीतियां हैं, उनके कारण वो पीड़ित है। और इस पीड़ा का शमन वो कैसा करना चाहता है? मनुष्य मात्र को किस चीज़ का इंतज़ार है, किस चीज़ की प्रतीक्षा है? केवल कविता की प्रतीक्षा है। वो उस कविता की प्रतीक्षा कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, जो लोगों के बीच में किस प्रकार आएगी। कविता का लोगों के बीच में लौटना, कविता का लोगों के बीच में लौटना कैसा होगा, वापिस आना कैसा होगा? मनु के लौटने जैसा होगा। अर्थात कविता का वापिस आना ऐसे लगेगा जैसे मनु, मानव, जो मानव पुत्र मनु है वो वापिस लौट आया है। पहला मनुष्य, प्रथम मनुष्य वापिस लौट आया है। अर्थात लोगों, लोग कोमल भावों से परिचित हो, अपने नए जीवन का प्रारंभ करें। क्योंकि जब मनु इस धरती पर थे तो राजनीति, इतिहास, आपसी जो पीड़ा है वो नहीं थी, क्योंकि वो प्रथम मानव है। उस समय समाज में या व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के भाव नहीं थे। तो इससे क्या होगा? मनु लौट आएगा, अर्थात लोगों के हृदय में कोमल भाव एक बार फिर से आ जाएंगे, नए जीवन का संचार होगा, नया जीवन फिर से लौट आएगा और लोग अपना जीवन पुनः से प्रारंभ कर पाएंगे, अपनी पीड़ाओं का त्याग कर पाएंगे। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इन पवित्र, जो पवित्र वस्तुएं थी, जो हमने पीछे जाना कि जैसे बादल हैं, हवाएं हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, या फिर हमने देखा कि जैसे देवदारू का पेड़, पेड़ का उदाहरण दिया है, भोजपत्र का उदाहरण दिया है, हिमनदों का उदाहरण दिया है, इन पवित्र चीज़ों को लेकर वो किसी भी हाट बाजार में नहीं जाना चाहते। अर्थात उन पवित्र वस्तुओं का बाजारी जहाँ तोल भाव किए जाते हैं वहाँ पर उनका कोई उपयोग नहीं है, या वहाँ पर उनका कोई स्थान नहीं है। उन पवित्र वस्तुओं का त्याग वो उसी अरण्य में कर देना चाहते हैं जहाँ वो पहले से अपना जीवन बिता रहे हैं। और अब मानव को वो बताते हैं कि केवल और केवल कविता की प्रतीक्षा है, जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके, शांति और सुख लाया जा सके। और वो किस प्रकार मानव अपना जीवन प्रारंभ कर सके? बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मनु ने किसी समय अपना जीवन प्रारंभ किया था, उसी प्रकार वो अपना जीवन फिर से नवजीवन प्रारंभ कर सके। इसी भावों को लेकर इस कविता की व्याख्या की गई है। उम्मीद करती हूँ ये व्याख्या आप समझ पा रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।